सो हे गाइस, आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर शॉर्मा, वो भी सिर्फ 70 रुपये में। साथ में मैं ये भी देखने वाला हूँ कि ऐसा क्या खास है इस शॉर्मा में जो लोग घंटों इंतज़ार करने को तैयार है इसके लिए। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, साथ में एंजॉय करेंगे इस फूड को। So guys, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. So hey guys, this is officially Rajput back again with a new video. आज मैं वापस आ गया हूँ एक और awesome video के साथ। गीता कॉलोनी में आया हूँ आज मैं। अपने घर से 22 किलोमीटर दूर आना पड़ा मुझे इस जगह के आने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा special जगह है। पहली चीज़ तो क्योंकि value for money, जो आपने ये word सुना होगा, ये phrase सुना होगा, ये जो justify करने वाली चीज़ है, ये यहाँ पर मिलती है। आप भीड़ देख सकते हो पहले तो, शाम के 6 बज रहे हैं अभी और बहुत ही बढ़िया जगह है। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, सीधा वहाँ पे चलते हैं और कुछ फूड आइटम साथ में देखते हैं। स्पेशली दो चीज़ें यहाँ की जो फेमस है, वो है यहाँ का शॉर्मा और यहाँ का बर्गर। दोनों टेस्ट करूँगा और आपको भी बताऊँगा दोनों चीज़ें कैसी है। लेट्स गो। देखो जी, किसी का सैंडविच तैयार हो रहा है, हैम शॉर्मा सलामी सैंडविच। पहले तो आप लोग चिकन की क्वान्टिटी देख सकते हो और बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये है इनकी मेयोनीज। अंकल जी क्वांटिटी बहुत अच्छी डालते हो मैंने सुना है आप। और ये डल चुकी है सलामी। और साइज़ देखो यार, इतना साइज़ देख रहे हो। ओह बहुत ही बढ़िया। अब ये होगा पहले ग्रिल। ये क्या ग्रिल में, ये क्या डाल रहे हो अंकल जी? ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। ये इनका चिकन देख सकते हो आप, सब यहाँ पे आराम से रोस्ट हो रहा है। ये हमारे अंकल जी हैं, ये मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलो अब अपना तैयार करवाते हैं कुछ और टेस्ट करते हैं साथ में। ये क्या अंकल जी, ये चिकन के लिए वो कर रहे हो? अच्छा जी, ये देख, ये हमारा चिकन फ्रेश रेडी होएगा अब इसमें बढ़िया से, जो यहाँ की स्पेशलिटी है। मतलब अंकल जी 70 रुपये में तो मोमोज भी नहीं आते एक प्लेट। आपने इतना अच्छा कंसेप्ट निकाला है, सीरियसली इतनी अच्छी क्वांटिटी दे देते हो कि 70 रुपये में पेट भर जाए, ये दिमाग में कैसे आया आपके? मैं ना कहीं खाने गया था। अच्छा अच्छा, मैंने वहाँ खाया पर मेरे को समझ नहीं आया, वो चिकन था ही नहीं उसके अंदर, तो दिमाग लाया कुछ। हाँ क्वान्टिटी नहीं थी उसके अंदर चिकन की बिल्कुल भी। सर मेरे दिमाग में आया कुछ अपने किया जाए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी किया अंकल जी आपने, कमाल कर दिया। ये क्या अंकल जी? ये बॉइल्ड ओनियन है। अच्छा अच्छा, बॉइल्ड ओनियन डलेगा इसमें सब कुछ। इसका मतलब है आप लोगों के सामने ही बन के आएगा, आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई घर से क्या क्वालिटी बन के आ रही है या जो भी है। देख सकते हो सब कुछ सामने ही है। ये हमारे हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए यहाँ इसका ऑयल निकाला जा रहा है चिकन का। ये देखो सबसे बढ़िया चीज़ है, जो प्रॉब्लम ही नहीं होगी कुछ। इतना फैट होता है आजकल खाने में, वैसे ही मोटे हुए पड़ी है हिंदुस्तान की आधी जनता, तो एटलीस्ट ये फैट निकाल देते हैं चिकन का इसको प्रेस कर करके, ताकि वो इशू एटलीस्ट ख़त्म हो जाए और आप इंजॉय कर सके, जितना खाना चाहें उतना खा सके बिना चिंता के। क्या खुशबू आ रही है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अपने बोलने से सीरियसली। और जो खुशबू आ रही है वो आपको यहाँ पर आके ही पता लगेगी, बहुत ही बढ़िया। प्रोसेस इतना लंबा है इस चिकन को बनाने का, इस चिकन शॉर्मा के चिकन को बनाने का, बट फिर भी लोग, मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ देख के, फिर भी लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं और किसी को लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ कितनी भी देर खड़े होकर वेट करने के लिए। ये है हमारी शॉर्मा की रोटियाँ। रोटियों का साइज़ देखो गाइस और अंदाज़ा लगाओ और कमेंट में लिखो कि कितना लगता है आपको, क्या क्वांटिटी आएगी इसमें। शॉक्ड हो जाओगे आप असली क्वांटिटी देख के। ये मेयोनीज लगा चुके हैं हमारे अंकल जी। हाँ भाई देख पा रहे हो तुम, भाई साहब ये एक क्वांटिटी है यार एक शॉर्मा की। अंकल जी सीरियसली एक आदमी का पेट भर जाए खा के, दूसरा सीरियसली लेना ही ना पड़े।
ये हो चुका है फाइनली कट। ये देखो, और स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसके साथ एक स्पून प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि अंकल जी को भी पता है कि ये हाथों से तो खाया नहीं जाने वाला इजीली, इतना सारा चिकन है इसके अंदर। ये देखो जी, ये चिकन सलामी कट होते हुए बहुत बढ़िया से, ये कुछ और डिफरेंट सा तैयार होने वाला है। वीडियो पूरी देखना गाइस, क्योंकि ऐसी चीज़ें कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी सीरियसली आपको। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, चिकन सलामी जो बर्गर है यहाँ का वो तैयार हो रहा है, और देखते हैं कैसे। ये है मेयोनीज, ये लगी बर्गर पे, बर्गर एक शॉर्मा, सेम प्रोसेस वही जो हमारे शॉर्मा पे लगी थी पहले रोटी पे। अब देखते हैं अंकल जी क्या करने वाले हैं इस पे। ओहो, इस पे भी चिकन आता है अंकल जी? ये वही चिकन है गाइस शॉर्मा में जो डला है भर भर के, ये दोनों तरफ लग चुका है भाई साहब। ये हमारी सलामी तैयार हो रही है बस। ये लगाई हमारे अंकल जी ने सलामी इसके ऊपर, और ये देखो ये है हरी चटनी। ये चटनी किस चीज़ की है अंकल जी? धनिया पुदीना मिर्ची। अच्छा, धनिया पुदीना वगैरह की चटनी है ये हरी वाली। मेयोनीज दोबारा, एक और सलामी, और ये बर्गर हो चुका है बंद। तैयार है अंकल जी ये बर्गर? ये हो चुका है हमारा बर्गर तैयार, और ये हो गया फाइनली। ओह हो भाई साहब, चलो अब हमारे दोनों आइटम तैयार हो चुकी हैं। चलो अब सीधा मिलते हैं हमारी टेस्टिंग पे। थैंक यू सो मच अंकल जी। सो यार, जैसे कि मैं इतनी दूर से यहाँ पे स्पेशली टेस्ट करने आया हूँ इनका ये शॉर्मा, वैसे मेरी तरह एक और फूडी है वो भी यहाँ पे टेस्ट करने आया है। ज़रा उनसे उनका रिव्यू ले लेते हैं, उनको कैसा लगता है। सो लेट्स गो। तो भैया क्या नाम है आपका? आदित्य। आप कहाँ से आए हो? मैं महाराष्ट्र नागपुर से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पे, और कैसा लगा आपको इनका शॉर्मा ट्राई किया आपने? बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। मैम आपको कैसा लगा? बहुत मज़ा आ गया, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा और टेस्ट। क्वांटिटी कैसी लगी आपको 70 रुपए में? क्वांटिटी बंदा एकदम तृप्त हो जाता है ऐसे बोलते हैं ना। मैंने तो एक्चुअली सीरियसली ऐसे ट्राई नहीं किया। आप लोगों ने और कुछ भी ऑर्डर किया कि बस? नहीं, अभी हमने हैम वाला, हैम किया और कबाब स्पेशल शॉर्मा भी किया। आपने पहले ट्राई किया है यहाँ पे? नहीं, पहली बार है। फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। फर्स्ट रिव्यू आप देख सकते हो कितना अच्छा है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के। वेलकम जी। सो भाई लोग, फाइनली मेरा फूड तैयार हो चुका है, और सीरियसली मुझे यहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ा इन दोनों आइटम को तैयार कराने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे डिमांड देख सकते हो यार। मतलब एक लॉट बन रहा है और ख़त्म हो रहा है। आप फूड आइटम्स देखो भाई, फूड आइटम्स दिखाओ मेरे भाइयों को, कितना टेस्टी लग रहा है। देखो यार कहाँ आगे खाना पड़ रहा है यार, बिल्कुल कोने में इतना भरा हुआ है, सीरियसली गिरने को हो रहा है भाई। चिकन, इतना चिकन है इन दोनों, चिकन शॉर्मा जो 70 का है, और ये जो चिकन सलामी बर्गर है जो सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज़ का है। गाइस आप लोग भीड़ देख सकते हो इस जगह की, कितनी ज़्यादा डिमांड है, और वो अंकल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ उनके काम से। अब सीधा मुँह में पानी आ रहा है मेरे, इसको मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको दिख रहा होगा। और मैं सीधा इस शॉर्मा को टेस्ट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। और भाई एक बार थोड़ा सा आगे आ जाओ, क्लोज़अप दिखा दो ज़रा मेरे भाइयों को कि इसके अंदर कितना ज़्यादा चिकन भरा हुआ है। गाइज आप लोग सीरियसली विश्वास नहीं करोगे, ये देखो मैं बोलता हूँ इतने चिकन का सीरियसली, जो बाकी जगहों पे है ना लोग 4 शॉर्मा निकाल के ना 70-70 रुपये के बेच सकते हैं, और इन्होंने इतनी सी रोटी में इतना चिकन भर दिया है। ओ गॉड यार, सीरियसली बहुत एक्साइटेड हूँ मैं टेस्ट करने के लिए। चलो जी, पहले मेयोनीज से टेस्ट करेंगे हम इस स्पेशल शॉर्मा को। यार इतना हैवी है ये, इसमें से इतना फैट निकाल देने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं यार, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। आई मीन सीरियसली यार, सिर्फ 70 रुपये में बहुत अच्छा चिकन का टेस्ट है यार। फैन हो गया मैं, चाहे मुझे 10 बार और आना पड़े शॉर्मा खाने तो मैं यहीं पे आने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार। मैंने ले तो लिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं ख़त्म कैसे करूँगा ये दोनों आइटम।
क्योंकि जो मेरे साथ भाई आया वो अगले 2 महीने के लिए हो चुका है प्योर वेजिटेरियन। ये देखो चिकन की क्वांटिटी, और दोनों तरफ चिकन भरा है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर सलामी लगी हुई है। और अब मैं इस बर्गर को उठाऊं कैसे यार, यही समझ नहीं आ रहा मुझे। ओ भाई साहब, फक मैन, देख रहे हो लेयर, देख रहे हो यार, भाई साहब बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में मैन, बहुत टेस्टी लग रहा है। ओ गॉड, आई एम सॉरी गाइस, आपको लग रहा होगा कैसे खा रहा है गिरा गिरा के, बट इसको ख़त्म करने का और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर ऐसे ही नहीं खाओगे तो खा ही नहीं पाओगे भाई। टाइम बढ़ रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है, सही टाइम पे आ गए, हमने सही टाइम पे ले लिया है बर्गर। ये देखो यार, देखना यार, मैं चाहता हूँ कि मैं इस चिकन को थोड़ा हटाऊँ और इसकी सलामी टेस्ट करूँ एक बार, क्योंकि सलामी आ ही नहीं रही है भाई, इतना चिकन भरा हुआ है। ये लिया मैंने सलामी इसके साथ, ये देखो बहुत बढ़िया। सीरियसली गाइस, अगर आप शॉर्मा के दीवाने हो और अगर आपने इस जगह पे आके शॉर्मा टेस्ट नहीं किया ना, तो आई एम सॉरी, आप फूडी नहीं हो। आपको ज़रूर आना पड़ेगा यहाँ पे खाने के लिए। यार ये दोनों ही आइटम्स में जो चिकन डाला गया है, आई कैन बेट पूरी दिल्ली में इस चिकन शॉर्मा जैसा कोई शॉर्मा नहीं बना सकता है। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो और ये फूड पसंद आया और मेरा फूड रिव्यू पसंद आया, इतनी भीड़ में आके आप लोगों के लिए मैंने ये खाना तैयार करवाया, लेके आया और आप लोगों को बताया कैसा है, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सबको बताओ अपने दोस्तों को कि चलो यार जल्दी यहाँ पे आते हैं और टेस्ट करते हैं शॉर्मा को। चलो वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। साइनिंग ऑफ ऑफिशियली राजपूत।